हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपके साथ द मशीन वाला पेज से आपके लिए लाया हूँ एयर कंप्रेशर, DIY इंजीनियर्स का ऑफिशियल एयर कंप्रेशर, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। आप बाय कर सकते हैं वहाँ से। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि एयर कंप्रेशर के साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बहुत से व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि भैया एयर कंप्रेशर हमारा इंजन सीज हो रहा है, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। तो आज हम दिखाते हैं कि इस एयर कंप्रेशर के साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके साथ आपको एक इस तरीके की दिखने वाली एक चीज मिलेगी। इसको हम बोलते हैं एयर फिल्टर। ये एयर जो फिल्टर है, ये हमारे कंप्रेशर के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं और इस तरीके से इजीली हम इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद उसके साथ हमारा आता है दो व्हील, जो कि हमारे कंप्रेशर के अंदर लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं व्हील को कसने के लिए इसके साथ इसके दो नट बोल्ट भी आएंगे। आप इजीली भी रिंच से प्लास्टिक को कस सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा तो इसके साथ इस तरीके के दिखने वाले दो शूज आएंगे, जो कि हमारे आगे इस जगह पे लगेंगे। शूज आप देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअली होता है कि जब हम मार्बल वगैरह पे हमारा कंप्रेशर रखा होता है या किसी भी टाइल्स वगैरह पे रखा होता है, तो उसमें स्क्रैचेस नहीं आते, ना ही टूटने का डर है ना ही स्क्रैच आने का डर है, तो इसको जरूर जरूर लगाएं। इसके अलावा मैं बात करूंगा एक ये छोटी सी दिखने वाली चीज, अगर आपके कंप्रेशर के साथ नहीं आई है तो डेफिनेटली आप जिससे भी कंप्रेशर ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, तो इस चीज को जरूर लीजिए, इसको नजरअंदाज ना कीजिएगा। यही कंप्रेशर की आपकी जान बचाएगी। सो गाइस, ये जो चीज है इसका यूज बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत मेन है। ये इंजन के अंदर, ये जो हमारा इंजन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी एयर बनती है ये इस तरीके से लगा हुआ होता है, इस तरीके से हट जाता है और यहाँ से ऑयलिंग होगी। इसके अंदर जितनी भी एयर बनेगी वो इसके थ्रू ही बाहर आएगी, तो इसको जरूर जरूर लगाइएगा। यहाँ पे प्लास्टिक का कैप सा लगा होता है, नया कंप्रेशर लेने के बाद तुरंत उस कैप को हटाइए और इसको लगाने के बाद ही अपना कंप्रेशर ऑन करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ऑयल लेवल कैसे चेक करना है, ऑयल कब डालना है, कितना डालना है और कहाँ से निकालना है। सो गाइस, अगर मैं ऑयल डालने की बात करूंगा तो ये जो आप होल देख रहे हैं जहाँ पे आपका ये सक्शन के लिए लगता है, यहाँ से आपको ऑयल डालना है लगभग 250 ग्राम, 250 ml। कोई भी 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन का ऑयल आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इसको इस तरीके से कस दीजिए। अब मैं बात करूंगा कि ऑयल का लेवल कहाँ से चेक करना है, तो ऑयल का लेवल के लिए आप ये मीटर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप ऑयल का लेवल इजिली चेक कर सकते हैं। अब ऑयल निकालना कैसे है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑयल डाल तो लिया, अब जो जला हुआ ऑयल है वो निकाले कैसे। तो गाइस, इसका ऑयल निकालने के लिए जरा कंप्रेशर को टेढ़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब ये जो होल देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये बोल्ट कसा हुआ है, इस बोल्ट को जैसे ही आप खोलेंगे तो इसके अंदर जितना भी गंदा ऑयल है वो सारा का सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। जब भी आप इसका ऑयल चेंज करें, जैसे हमने गंदा ऑयल निकाल लिया, जब भी आपको फ्रेश ऑयल डालना हो तो एक बार इसको डीजल से या मिट्टी के तेल से क्लीन जरूर कर लें। यहाँ पे आप 100 ग्राम डीजल डालेंगे तो यहाँ से आपका जितनी भी अंदर की गंदगी होगी सारी बाहर आ जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी रनिंग लगभग 3 से 4 घंटे पर डे है, आपको हर 2 महीने में इसका ऑयल चेंज करना ही करना है। इस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर चलें। बाकी अगर मैं कुछ जनरल चीज़ों की बात करूंगा कंप्रेशर के अंदर, तो ये हमारा जो है ऑन ऑफ स्विच है, ऑटोमेटिक है। जब भी इसके अंदर एयर फिलअप हो जाएगी अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। आपको तो खाली एक बार पुल करके छोड़ देना है, प्लग इन कर देना है, चलता रहेगा, एयर खत्म होती रहेगी, फिर से रीस्टार्ट होता रहेगा। बाकी के 2 आउटपुट्स इसके अंदर हमारे हैं, और इस कंप्रेशर को बेसिकली आप सबसे ज्यादा पेंटिंग के लिए, स्कूटर मोटरसाइकिल वर्कशॉप्स के अंदर क्लीनिंग के लिए, जैसे लाइक की फिल्टर साफ करने हैं या अंदर की धूल मिट्टी हटानी है, उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी की आज की डेट में 2 व्हीलर्स के लिए कंप्रेशर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। लोग अपने पर्सनल यूज में भी अपने घर में गाड़ियों के लिए इसको रखते हैं, हवा वगैरह भरने के लिए। बाकी का आप DIY कुछ भी करना चाहें मंगाइए, मशीनिंग के अंदर भी, नेलिंग के अंदर भी, स्टेपल के अंदर भी इस कंप्रेशर का बहुत यूज हो रहा है। और इसकी मैं खास बात तो ये कि ये जो DIY इंजीनियर्स का कंप्रेशर है, इसका 115 PSI का प्रेशर है, जो कि और कंप्रेशर में इजिली नहीं मिलता। सो गाइज, रिक्वेस्ट करूंगा जो जो भी कंप्रेशर लेना चाहता है अमेजोन में सर्च करे DIY इंजीनियर्स एयर कंप्रेशर। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको 70 लीटर का कंप्रेशर मिलेगा। मार्केट के अंदर कंप्रेशर है 30 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, बट ये जो कंप्रेशर है 70 लीटर का है, मार्केट से बड़ा है। जो इसके इंजन की बात करूंगा 2.5 HP का हेड स्टॉक है इसका, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, एक बार लीजिए,
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।